डॉक्टर साहब, सेक्स एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आमतौर पर चर्चा करना उचित नहीं माना जाता। भारतीय संस्कृति में तो खास करके इस बात को काफ़ी छुपा कर रखा जाता है, जबकि ये जीवन का अविभाज्य अंग हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिना दुनिया नहीं चलती। बराबर, सेक्स अगर नहीं रहा तो फिर ना तो कुछ हो पाएगा ना कुछ, क्योंकि आमतौर पर सेक्स एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर चर्चा करना उचित नहीं माना जाता। लेकिन हम हमारे चैनल के माध्यम से, आप जैसे अनुभवी डॉक्टर के माध्यम से, जो लोगों की समस्या है उनको अगर उससे समाधान मिले, हमारा ये उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी समस्या है शीघ्र पतन की, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर कोई चर्चा करना नहीं चाहता, एक दूसरे से हम बात नहीं कर सकते। कोई अपना अगर दोस्त है तो उसको हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारा अपमान होगा तो मन के मन में घुटता चला जाता है और उसकी जो बीमारी है वो और बढ़ती चली जाती है। कहीं तो अभी वो डिप्रेशन में आ जाता है, दिन भर उसके दिमाग में वही विचार चलते हैं कि यार मेरा ये कैसा होगा। तो एक शीघ्र पतन सबसे बड़ी समस्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? आपने अच्छा सवाल किया जी डॉक्टर साहब, क्योंकि क्या है कि शीघ्र पतन जो है वो कि पुरुष और स्त्री दोनों को समाधान जी नहीं मिलता है जी, बिल्कुल, तब तक मतलब समाधान मिलने तक वो संभोग प्रक्रिया या काम क्रीड़ा चालू रखना चाहिए जी जी, बिल्कुल, वो समाधान नहीं मिलता है, स्त्री को भी मिलता नहीं या पुरुष को भी मिलता नहीं जी, बिल्कुल, तो इसका मतलब वो शीघ्र पतन हो रहा है जी। अब इसके कारण क्या है? तो कारण काफी सारे कारण है इसमें जी, कि जैसा बहुत जल्दी जल्दी में संभोग करना जी, बहुत जल्दी में संभोग हो जाना जी, कभी होता है कि संभोग करने के समय एक ही कमरे में कर रहे, बच्चे उठ जाते जी जी, उस समय एकदम धक्का बैठ जाता जी, जल्दी करना चाहिए करके जी जी, या शादी के पहले कहीं मतलब सेक्स वर्कर के पास में जाते, वेश्या के पास में जाते जी जी, फिर वहाँ कुछ वो कमेंट कर देती है उसको, तो पढ़ देती कि जल्दी जल्दी करो जी, बिल्कुल, तो करो जल्दी चले जाओ जी, बिल्कुल, तो उसमें भी उनका है कि भाई जल्दी करना पड़ता जी जी, तो ऐसे इसमें उसकी फिर हैबिट हो जाती जी जी, उसकी मानसिकता बन जाती है कि भाई जल्दी पढ़ना पड़ेगा जी जी, है ना, जैसा खेत में जा रहे वहाँ वर्कर साथ में कर रहे हैं जी जी, यहाँ कहीं मतलब कहीं बगीचे में जा रहे वहाँ कर रहे हैं, ऐसा जहाँ भी मिले वहाँ फटाफट वो कार्यक्रम कर देने का है, जल्दी जल्दी निकल जाने का है जी, बिल्कुल, ऐसा यदि होता है वो, या घर में भी फिर ऐसा कभी होता है जी जी, कि कोई आ जाएगा है ना जी, बिल्कुल, और दरवाजा कोई मतलब खुला रखे है, ऐसा मतलब अंदर से बंद नहीं है और कोई फटाक से आ जाता अंदर जी जी, तो एक मन में अज्ञात जो भय बना रहता है उसके कारण फिर वो हैबिट हो जाती है, फिर वहां से फिर शीघ्र पतन शुरू हो जाता जी जी, तो इसके ये कारण हो सकता है। हाँ, इसके काफी सारे कारण इसमें के, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट अहम कारण है जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे शीघ्र पतन एक आम तौर पर ऐसी बीमारी हो गई कि मन में हर किसी को ऐसी वो डर लगा रहता है कि भाई यार मेरा कहीं तो भी संभोग के जो समय जो लगना चाहिए उसके पहले कहीं तो भी हो जा रहा है, तो उसके मन में एक प्रकार से भय हो जाता है। तो आपका, आप एज अ सेक्स स्पेशलिस्ट, आप इस बीमारी को किस नजरे से देखते हैं? ये मानसिक है या शारीरिक है ये बीमारी? देखो, शीघ्र पतन जो है ये पूरी मानसिक बीमारी है जी, है ना, कि भाई क्योंकि क्या है कि लोगों को उनके मन में काफी सारी मतलब ऐसे डाउट रहते, शक रहते हैं जी जी, कि भाई कितने समय तक चालू रहना है जी। जैसा पॉर्न फिल्म देखते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं जी जी, उसमें अलग 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 तरह के सेक्स करते हुए लोग देखते हैं जी जी, कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा सेक्स चालू है जी जी, उसमें फिर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सेक्स वो 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा चलना चाहिए जी, बिल्कुल, और तभी फिर वही समय मतलब वही समय जो है वो सही है जी जी। तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है जी, दोनों को समाधान मिलना चाहिए, उतना वो चलना चाहिए जी, है ना। कहीं तो भी लोगों में एक भ्रामक ये हो गया कि भाई हमारा ये जो हम देखते हैं पॉर्न वगैरह फिल्में वगैरह, अभी आजकल का ज़्यादा चलन बढ़ गया, तो उसके अंदर अलग अलग एंगल्स वगैरह में बताते काफ़ी, यानी उसको हाई एकदम वो बताया जाता है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं आप, ये बात डॉक्टर साहब काफ़ी अनुभवी कई सालों से इस क्षेत्र में, तो जो भी आप डॉक्टर साहब सलाह दे रहे हैं आप उसको मानिए, क्योंकि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो प्रकृति ने हमें दी है, तो उसमें ही सब कुछ होता है।